मेरे जाने के बाद से सब कुछ सुना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है, चल डोंट टच मी। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ, आज से शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात ना, आप अभी अभी रणवीर के बारे में पूछ रहे थे ना, आप बता सकते हैं वो कहाँ गए होंगे? लो, एक और आ गई रणवीर से पूछने। लगता है बहुत ही वीआईपी आदमी है। आप प्लीज मुझे बता देंगे कि वो कहाँ गए होंगे? आप उनकी क्या लगती है? बहन निधि चौहान। दादा के एक्सीडेंट के बारे में जाना ना, तो सुनकर रुक ना पाई, और थे भी उदयपुर में तो भागी चली आई कि कहीं कुछ हो तो ना गया हो। और डॉक्टर को बताना भी था कि उनकी बॉडी में ना गोली के तुक। पर वो तो चले गए ना हॉस्पिटल से, मतलब कुछ सीरियस तो ना था ना? रणवीर के शरीर पे जो गोली के टुकड़े हैं, वो कब से और क्यों? मैं रणवीर को यहाँ हॉस्पिटल लाया था, इसलिए डॉक्टर ने मुझसे पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो बहन है ना उसकी, आपको पता होगा। क्या कर रहा है भाई, मरवाएगा क्या? जल्दबाजी में हमने हेलमेट भी ना पहने। रणवीर, मने थारे इरादे ना नेक ना लग रहे। रोक रणवीर, रोक। अरे जे तू ठीक ना कर रहा रणवीर, देख इम्तिहान की सगाई हो गई है, भूल जा उसने। उसे भूल जाओ ये कदर हो नहीं सकता, मंजूरी नहीं है हमारे को। और उसकी ये सगाई, वो भी मंजूर नहीं है हमारे को। अरे मंजूर नहीं है तो क्या करेगा, तोड़वा देगा? नहीं ना तो चल वापस, पागलबंदी बंद कर। देखिए आई नो शायद आसान नहीं होगा आपके लिए, बट प्लीज इफ यू डोंट माइंड। जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ, सबसे पहले इस बात का शुक्र मनाती हूँ कि दादा की जान बच गई, वरना वो उन्हें भी मार देते। वो कौन लोग हैं? किसकी बात कर रही हैं आप? वो मैं आपको ना बता सकती। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ आप ये तो बता सकती हैं ना? देखिए मैं जानता हूँ शायद ये आसान नहीं होगा आपके लिए, बट प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी एंड डोंट हेसिटेट। रणवीर दादा सीरत नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। अरे 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 अरे, शुक्र है कि तुमने मेरी नातनी पर ऊपर वाले ने तो सुन ली। और बाइक खराब होगी, वो भी ना चाहता कि तू सीरत से जाके मिले, समझा? अरे 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 भाई, तुम दोनों की भलाई ना इसी में है कि तुम दोनों ना मिलो। और सुन मेरी बात, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये जो है ना रणवीर है, और रणवीर है। उस दिन मंदिर में इंतजार करती रही तो तू ना आया, आज यहाँ आई तारे से मिलने तो तू भाग गया। अरे चावे के, क्यों ना आता हमारे सामने, क्यों आके सच ना बताता मारे को? क्या होया था उस दिन, क्यों ना आया था तू, क्यों ना बताता मारे को? क्यों घर में किसी को ये रिश्ता मंजूर ना था, पापा ताऊ जी चाचा सब खिलाफ थे सीरत के, क्योंकि क्योंकि सीरत ना हमारी तरह पैसे वाली थी और ना ही पावर वाली। सब ने मना किया दादा को, पर दादा नहीं माने, पागल थे दादा उसके प्यार में। डिसाइड कर लिया कि
की छुपकर मंदिर में शादी करेंगे और फिर उसे घर ले आएंगे। पर ये बात पापा को कहीं से पता चल गई और पापा ने फिर उनको धमकी दी कि अगर उन्होंने सीरत से शादी कर ली तो वो सीरत को गोली मरवा देंगे। What? हाँ, पर फिर भी दादा नहीं माने और दादा मंदिर चले गए। फिर वहां जो हुआ वो तो बस उन्हें ही मालूम है और उनके दोस्त चंदन भाई को। आपको नहीं पता? आपने कभी अपने भाई से कुछ पूछा नहीं इस बारे में? उन्हें गोली लगी थी, वो हॉस्पिटल में होंगे, अब तक कभी पता करने की कोशिश नहीं की? कार्ड पे तो कोई अलीना का नाम लिखा है। हैं? पर ये तो बहुत प्यार करता था कविता से। हाँ? क्यों करें हैं ऐसा लोग? प्यार किसी और से और ब्याह किसी और से। मारे को बिल्कुल नहीं समझ आता जब लोग ऐसा करते हैं तो। तू तो ना करेगा ना हमारे साथ ऐसा? ना करूंगा ना करने दूंगा। जब मारे को कोई भनक भी लगी ना कि तू ऐसा कुछ सोच रही किसी और के साथ, टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी और सर फोड़ूंगा अलग। मतलब मारे को अगर किसी की टांगे तोड़वानी हुई ना तो मैं थारे को उसका और मारा ब्याह का कार्ड भेज दूंगी। मजाक लग रहा थारे को? वादा कर मारे से कि अगर किसी भी कारण हमारा ब्याह ना हुआ तो तू भी किसी और से शादी नहीं करेगी। पहले तू कर। वादा करता हूँ, तड़प तड़प के मर जाऊंगा मैं सीरत पर, थारे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा। तो के मजनू बन जावेगा या देवदास? मजनू दास, ठीक है, खुश है। चिराग लेके भी ढूंढने जाती ना तो भी ऐसा छोरा ना पाती थारे लिए। पर लाई भी तो आप ही हो ना मावड़ी, ना आप बाजार जाती, ना आप इनसे मिलती हो, ना इन्हें मांगती मारे लिए खाटू महाराज से। खाटू महाराज ने मेरी छोरी को इतना अच्छा बीन दिया है, अब थोड़ी अकल भी दे दे इसने। अरे अक्कल की क्या जरूरत है मावड़ी, कार्तिक को है ना अक्कल, तो बस फिर उसी में काम चला लेंगे हम दोनों। वो सफेद वाली गाड़ी कार्तिक सर की है, उसको प्लीज मेन गेट एरिया में पार्क करके आ जाइए, ठीक है? इतने पास आके फिर वापस चला गया था मैं सीरत, क्योंकि मारे को समझ नहीं आया कि क्या करूं, पर अब मारे को पता है कि करना क्या है। तुम्हारे अलावा किसी की ना हो सकती सीरत। देखिए मैं भी आपकी भाई की तरह ही हूं, आप मुझे बता सकती हैं। पहली बार शादी कर रहा हूँ मैं, और क्या लग रहा है? पापा को क्या लगा था कि वो मारे को धमकी देंगे और मैं डर जाऊंगा? उन्हीं का खून हूँ, एक बार जो ठान लीना करके छोड़ूंगा। अरे अभी कहां सुनेगी तेरी बात, देख कितनी खुश लग रही, पक्का हमारे बारे में ही सोच। सिराज
बैठे मावड़ी, चलो ना उधर चलते। हाँ चल। एक बार भी ना सोचा दादा ने, और अपनी जान के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। इतना प्यार करते थे दादा सीरत से। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।